तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। ये सर में तेल लगाने की वजह क्या होती होगी? बड़ी सिंपल है स्वीटी, जैसे मशीन को जंग लगती है और उससे ऑयलिंग करनी पड़ती है, वैसे ही सर को जंग लगती है तो उसे ऑयलिंग करनी पड़ती है। ये पिरामिड बना के क्या चल रहा है? ये ऑयलिंग हो रही है, अगर आपका सर भी चकरा रहा है तो आप भी आ जाइए। मेरे टॉप से बॉटम के सारे डिपार्टमेंट चकरा जाते हैं जब मैं तुम्हारी ये हरकतें देखता हूँ ना, तब। क्यों, हमने क्या किया डैडी? तुमने क्या नहीं किया है बेटे? तुम पांच को अगर कश्मीर के मोर्चे पे भेज दिया जाए ना, तो तुमसे हारकर सारी पार्टियां सीज फायर कर दें। कोई भी काम तरीके से करने नहीं आता क्या? क्या करे डैड, जोकर के घर में जो पैदा हुए हैं। फिर तो हमारे घर का नाम ग्रेट आनंद सर्कस होना चाहिए और हमें अपना सरनेम माथुर से बदलकर तंबू वाला कर देना चाहिए। हाँ बाप, अच्छा है। क्यों आनंद तंबू वाला, कैसे हो? तंबू वाला के दिन भरे हैं जो तुमसे बहस करूं। बिना घर का सारा तेल खत्म हो जाए तो जरा बेडरूम में आना, ये तुमसे काम है। ए, बिना बिजी है, मैं आ जाऊं? लगता है इसके दिमाग को तो वॉशिंग मशीन में डाल के साफ करना चाहिए। बेडरूम से कोई चोर रास्ता निकलता है क्या? ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेके आए हो क्या? ओए, ये तफली बजाने का अचानक नया शौक कहाँ से पैदा कर लिया बाप? ये तफली तो हमारी जान है जी। अच्छा, पर रात को मम्मी को जान कह रहे थे, अब तफली जान हो गई? हाँ? तू हमारी बेडरूम की बातें सुनती है? हाँ? करे मम्मी, सुनना ही पड़ता है। आप लोग ऐसे बातें करते हो जैसे कोई रेडियो पे प्रोग्राम आ रहा है। आप हमारी बात सुन लीजिए, बेडरूम स्टोरी बाद में डिस्कस कीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लगता है अपने बापों को नाटक करने का शौक चढ़ा है, लेकिन हम भी उनको बता देंगे कि हम किसी से कम नहीं। आइए ना, आइए जी, बैठिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखो, हम बड़ी दूर से आए हैं, हम चंदा इकट्ठा करने आए हैं। अच्छा अच्छा, आपने भीख मांगना भी शुरू कर दिया। मैंने सुना है भिखारियों को इनकम टैक्स नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। अच्छा, हम राजू हैं। राजू? सो क्यूट राजू। मेरा नाम राजू आलाम, और ये चंदा हम हमारे लिए नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो हम गंगा जी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। बहती है गंगा जहाँ मेरा नाम। ये तो बड़ा लफड़ा हो गया, सुनील अंकल की तरह डैडी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। क्या मतलब? वो बिहार वाली लड़की का नाम गंगा है। हाँ? तभी मैं समझू रोज रात को ये लेट क्यों आते हैं। कहते हैं ऑफिस में ओवर टाइम चल रहा है। ये तुम्हारा ओवर टाइम है? नहीं जी, मैं तो फुल टाइम गंगा जी की सेवा कर रहा हूँ। यूं समझो कि मैंने अपना जीवन गंगा के लिए समर्पित कर दिया। गंगा जी को जीवन समर्पित कर दोगे तो ये जो आधा दर्जन जमुनाएं हैं, इनको क्या महिला आश्रम में छोड़ोगे? एक बात ध्यान से सुन लो, मैं पूजा नहीं हूँ जो तुम्हारी कोई भी बात चला लूंगी।
मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगी। मम्मी ईंट भी बजती है? मैंने तो सुना था सिर्फ तबला बजता है। चले गंगा जी की भलाई करने। आपको गलत फहमी हो रही है, गलत फहमी। हम इसलिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि हम सब ने मिलकर गंगा मैली कर दी है। जी जी जी। और इस पाप का प्रायश्चित हमें ही करना पड़ेगा ना। सुना मम्मी, डैडी ने गंगा को मैला भी कर दिया, अब उसका प्रायश्चित भी करेंगे। यू मीन टू से कि आप गंगा के बच्चे के बाप बनने वाले हो? कोई बात नहीं, भगवान करे कि गंगा के घर में एक लड़का पैदा हो और हमें एक भाई मिल जाए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं जी। अरे अपन सब समझ गया बाप, डोंट वरी। प्यार किया तो डरना क्या। अपन खुश है कि आपने अपने प्यार को डफली की चोट पर बयान किया। हमारा बस चले तो डंके के चोट पर ऐलान कराएं। हम गंगा से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं हम गंगा से, और हर भारतवासी को गंगा से प्यार करना चाहिए। That means, आपने अपनी प्रेमिका को नेशनल प्रॉपर्टी समझा है? अंतरराष्ट्रीय संपत्ति है जी, वो हमारा धरोहर है जी। अभी उस बिचारी को बियाबा में नौकरी करनी पड़ती है। तुम जैसे मर्दों ने औरतों को बाजार में बिठाया है। छी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने ही उसे बाजार दिया। ये पूरी बात में बाजार और औरत कहाँ से आई जी? क्यों? गंगा औरत नहीं तो और क्या है? मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ जी, और उस मैली नदी को साफ करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। सच? हम पूरब वाले कभी झूठ नहीं बोलते जी। कहिए कितना चंदा लिखूं? जितना जी चाहे। जी हाँ, यहाँ अपनी जेब से कहाँ कुछ जाने वाला है, जो भी जाएगा आप ही के बटुए से जाएगा। क्यों जी? आप इनके बाप है ना? क्या बात कर रहे हैं बहन जी, मैं इनका बाप कैसे हो सकता हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ जी। अच्छा, तो हम लोग क्या पोल्ट्री फार्म से आए हैं? आप पोल्ट्री फार्म से आए हो या आरे कॉलोनी से आए हो, मुझे क्या पता जी, लेकिन मैं आप लोगों का बाप नहीं हो सकता जी। मुझे भी कभी कभार शक होता था कि इतने काले बाप के बच्चे इतने गोरे कैसे हो सकते हैं, है ना, है ना? लेकिन अगर आप हमारे बाप नहीं है तो हमारा बाप कौन है? वो अपने माता जी से पूछो जी। पूरी बात है, क्या आपने आपके बच्चों को आज तक उनके बाप का नाम नहीं बताया जी? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई और मैं उसमें सीता की तरह समा क्यों नहीं गई? अगर धरती फटती भी तो आप सेकंड फ्लोर वाले मलकानी अंकल के बेडरूम में घुस जाती। बेडरूम में घुसना पाप है ना? मम्मी ये मजाक चल रहा है, तुम इतनी सीरियस मत हो जाओ। हाँ हाँ, बहुत हो गया मजाक। डैडी जल्दी से मेकअप उतारो, हम लोग को बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं। चलो डैडी। हाँ, और अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। इतना गंदा मजाक, आप अंदर तो चलिए, देखती हूँ आप। देखिए मेरे पास चलिए। मुझे कुछ नहीं सुनने दे जी। मुझे अंदर कहाँ ले जा रही हैं आप जी? चलो मैं बताती हूँ तुम्हें। डब्बू बब्बू, आओ आओ। बच्चों, लगता है चश्मे का नंबर चेक करवाना पड़ेगा। सर में तेल डालने से नशा होता है, ये तो आज पहली बार पता चला। ये तो कमाल हो गया बाप, एक साथ दो दो बाप। हाँ यार, राम और श्याम की तरह आनंद और देवानंद। मुबारक हो, हमारे डैडी की ज़ेरॉक्स कॉपी भी चली फिरती है। तुम लोग कहते थे ना कि हमारा कोई चाचा नहीं, आज भगवान ने तुम्हारे चाचा को भेज दिया। यानी ऊपर वाले ने भी फास्ट फूड का स्टॉल चालू किया। लेकिन उसके यहाँ इतने बड़े बच्चे कैसे पैदा होने लगे? नहीं जी, मैं पैदा तो तुम्हारे पिताजी के जन्मदिन पर ही हुआ था, मैं इससे 3.5 मिनट बड़ा हूँ। फिर आप 7 साल की उम्र में कुंभ के मेले में गए थे और वहाँ दोनों बिछड़ गए। जगह से पता चला छोड़ी? जुड़वा भाइयों की बिछड़ने की लोकेशन फिल्म वालों ने फिक्स रखी है, उनका मेरा। बड़ी चालाक है तेरी बच्ची तो।
चालाक शब्द भी इनके लिए बहुत चालू है। ये मेरे लेडी पांच पांडव में ऊपर वाले ने लोमड़ी की मक्कारी, कौवे की चालाकी, कोबरा का जहर, शेर की हिम्मत, ना जाने कौन कौन से जानवरों की खासियत कर दी है। अब तुम आए हो तो तुम्हें जल्दी पता ही चल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं जी। ये सब समझने पूरी उम्र कम पड़ेगी। आओ तुम नहा धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे। ठीक है जी, तुम इतना आग्रह करते हो तो मैं नहा लेता हूँ जी। वैसे हमें गंगा जल के सिवा नहाना अच्छा नहीं लगता जी। यहाँ खड़ी करने के आप क्या कर रहे हैं जी? प्रेम ग्रंथी भाषा। क्या मतलब? हाँ, सामने वाली खिड़की में से गंगा ने चुम्मा फेंका और सुनील अंकल ने पकड़ लिया। मेरे समझ में नहीं आया जी, आप क्या कह रहे? ये प्यार की भाषा आप ब्रह्मचारियों को समझ नहीं आएगी। दूसरों के इशारों को समझने की आपको क्या जरूरत है जी? बाल बनाने बाहर आए तो समझ लीजिए आज 5 बजे जू बस स्टॉप पे मिलना है। और अगर वो कचरे का डब्बा लेके आए तो समझ लीजिए कि आज डेटिंग का मूड नहीं है। तब तक मैं अपना जरूरी काम करके आती हूँ। ओके, समझ गए ना? बाय। ये लड़की है या अखबार संवाददाता जी? नमस्ते जी, नमस्ते जी। सॉरी, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ये कौन सी पुस्तक का पठन हो रहा है जी? हमारी सोसाइटी में तो कोई पठान नहीं रहता। नहीं नहीं, मैं पठान की नहीं बात कर रहा हूँ जी, मैं तो ये पुस्तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में? हाँ, वहाँ तो बहुत सारे पठान हैं। कमाल की लड़की है, पठानों के पीछे ही पड़ गई। नहीं नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी, पठानों की वजह से ही तो हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे बढ़ी है। नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो बेटी। इसमें समझने की क्या बात है? अब दिलीप कुमार को ही लीजिए, हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पठान है। लगता है ये मुझे पठानों का इतिहास पढ़ा कर ही छोड़ेगी। हाँ। है, अरे चाचा, आप इसके साथ वार्तालाप मत करो वरना वो आपको हिस्टेरिकल कर देगी। इसका कान सरकारी नौकर की तरह है जो एंड टाइम पर ही काम करता है, और आज वो कैजुअल लीव पर है। यानी ये बहरी है? ए चाचा, बहरी मत कहना वरना मैं मम्मी से कह दूंगी। हाँ, ये मम्मी की धमकी दे गई? अपना बाप है ना। अरे वो आनंद माथुर, आपका 3.5 मिनट छोटा भाई, उसके है ना, अब उनकी मम्मी का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती है। इसीलिए सारे तटपुंजियों को डराने के लिए अपुन अपनी मम्मी का नाम गब्बर सिंह की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी मेरा भाई जोरू का गुलाम है जी? जोरू है तो गुलामी करता है, वरना आपकी तरह डफली बजाता रहता। अच्छा सुना है। चाचा, शादी वादी की के नहीं? नहीं जी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ जी। अरे यार, ये नाटक छोड़ो और एक अच्छी सी विधवा को पकड़कर शादी कर लो, वरना जवानी तो फालतू जाएगी, ऊपर से बुढ़ापे में अकेलापन खटमल की तरह काटेगा। समझ गया? अपुन चलता है, वो पक्या भाई पर वार हुआ है, उसको देखने अपुन को हॉस्पिटल जाना है। साला उन लोगों ने भी उस बेचारे को पाइनएप्पल की तरह छील डाला है। 235 टाके आए, ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उसका बॉडी पर एम्ब्रॉयडरी किया हो। अच्छा बाप, अपुन चलता है। ठंडी में पसीना चले, ना भूख ना प्यास लगे, यार यही प्यार तो नहीं डारी। नहीं नहीं, कोई नहीं सकता। किसको ठंडी में पसीना चले जी? शाहरुख जी को। शाहरुख? कौन शाहरुख जी? आप शाहरुख खान को नहीं जानते? वही जिनकी लाइन से 6 बजरे पिट गई। फिल्म स्टार शाहरुख खान की बात कर रही है? हाँ। पता है उनकी पिछले क्यों पिटी? छोटी कहती है उन्हें मेरी हाय लगी है। तेरी हाय क्यों लगने लगी जी? क्योंकि पता है मैं उन्हें दिलो जान से चाहती हूँ और वो मुझे घास तक नहीं डालते। अम्मा।
जी। देख, कह दे अपने भाई को अगर मेरे बच्चों को जानवरों के साथ कंपेयर किया ना तो रात में उसके बिस्तर में चिपकली छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करना। क्या हुआ भाई साहब, इस तरह मुंह खुला रखकर मत खड़े रहो वरना मच्छर पेट में पिकनिक मनाने चले जाएंगे। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ डब्बू। क्यों भैया, तुमने अपनी बेटियों को शिक्षा बिल्कुल नहीं दी। ऐसा नहीं है भाई साहब, दरअसल ऊपर वाले ने इन्हें पैदा करके मेरे को पिछले जन्मों की शिक्षा दी है। ये सब जिम्मेदारी से छटकने के बहाने हैं। मेरे हाथ में लगाम सौंप दे, फिर मैं सबको सुधार कर रख दूं। कोशिश करके देखिए, बाकी इनको सुधारने वाले सब सुधर कर चले गए हैं। भाई साहब, एक बार कोरस कव्वाली गवाई जा सकती है पर इनका सर नहीं बदला जा सकता। देखते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, छोटी की खबर कभी गलत नहीं होती है। यानी वो छोरा गंगा किनारे वाला हम लोग को सुधारेगा। कि छोरा गंगा किनारे वाला। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हमको सुधारना गंगा को साफ करने से भी ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले कि वो हमें सुधारे, हम उसकी बैंड बजा देते हैं। कैसे? कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो हमारे जैसे बन जाए। आइडिया। क्या? खर्राटे लेने में तो ये भी अपने भाई की तरह स्टीरियोफोनिक है। हेलो, हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? घंटी कौन बजा रहा है जी? डेली भीड़। हेलो, किससे काम है जी? तुमसे, मेरे राजू। कौन बोल रहे हैं जी? गंगा, तुम्हारी गंगा। गंगा क्या बहती हो, कहती हो, चाहती हो? आज शाम तुम्हें छोटी के साथ बालकनी में देखा, आंखों के रस्ते सीधे दिल में उतर गए हो। देखिए, एक ब्रह्मचारी से ऐसी बातें करना पाप है जी। हेलो, हेलो, हेलो। देखिए, ऐसा मत कहिए जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। देखिए, अगर आप मेरा दिल तोड़ देंगे तो मैं मेरा दम तोड़ दूंगी। देखिए, मुझे धर्म संकट में मत डालिए जी। मैंने अपना सारा जीवन गंगा को समर्पित करने का प्रण किया है जी। अरे, प्यार में तो लोग तब तो ताज छोड़ सकते हैं, और तुम्हारा प्रण टूटने की तो बात ही नहीं है जी, क्योंकि मैं गंगा हूँ, तुम्हारी गंगा। अपनी गंगा से मिलने आओगे ना? मुझे सोचने को वक्त चाहिए जी। प्यार करने वाले सोचा नहीं करते जी। कल ठीक 12 बजे मैडनेस पब के पीछे मैं आपका इंतजार करूंगी, और अगर आप नहीं आए तो शाम को 6 बजे आपके नाम की चिट्ठी लिखकर मैं अपनी जान दे दूंगी। साहिबा, अब तुम्हारे गंगा की लाश तुम्हारे हाथ में है। कल ठीक 12 बजे। चाचा, शादी कर लो वरना जवानी तो फालतू जाएगी, ऊपर से बुढ़ापे में अकेलापन खटमल की तरह काटेगा। फंस गया बेचारा।
चाचा क्या हुआ, कुछ परेशान दिख रहे हैं आप। किसी से कहोगी तो नहीं ना बेटी? अरे कसम गंगा की, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलो। मुझे किसी से मिलने जाना है जी। तो जाइए। जगह पता नहीं है जी। अरे तो अपुन को बोलो ना, उंगली पर पूरा बंबई का नक्शा बना देगा। बोलो। मैडनेस पब। ओ मैडनेस पब, अपना सदा भाई का, दावत होटल हिल रोड के अंदर। चाचा वहाँ किससे मिलने जाना है? मित्र है जी। मित्र? हाँ फिर तो जाना ही चाहिए, लेकिन इस हालत में जाएंगे आप? क्यों जी? वो अंदर घुसने भी नहीं देंगे। चलो अंदर। अरे चलो आइए आइए। इंडिया है या रोम? हरिओम।